मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पिपरिया मार्ग पर एक बोलेरो चालक ने एएसआई को टक्कर मार दी। हादसे में एएसआई की मौत हो गई है। बोलेरो चालक न्यूटन क्षेत्र से पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने महुल झेर क्षेत्र में चेक पोस्ट लगाया था, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी चालक गाडरबाड़ा नरसिंहपुर का रहने वाला है। वह न्यूटन क्षेत्र के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर बिना रुपये दिए ही भाग रहा था। इसी की सूचना पर महुल झेर थाने के पास में एएसआई नरेश शर्मा और उनकी टीम ने चेक पोस्ट लगाया था, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी चालक ने बोलेरो की रफ्तार और तेज कर दी और नरेश कुमार शर्मा को टक्कर मारते हुए भागने लगा। हादसे के बाद पुलिस ने तत्काल बोलेरो को रोका और आरोपी को हिरासत में ले लिया। छिंदवाड़ा से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के थाना माहुलझेर में आज सूचना सुबह के टाइम प्राप्त हुई थी कि न्यूटन चौकी से कोई गाड़ी बोलेरो कैंपर एक्सीडेंट करके फरार हुई है। उसको रोकने के लिए माहुलझेर थाने के सामने चेक पॉइंट लगाया गया था, जिसमें एएसआई नरेश कुमार शर्मा जी और अन्य थाने का स्टाफ मौजूद था। चेक पॉइंट को देखते हुए बोलेरो कैंपर के ड्राइवर ने गाड़ी और तेज़ की और नॉक डाउन करने की कोशिश की बैरिकेड को। इस प्रोसेस में एएसआई नरेश शर्मा जी को गाड़ी के द्वारा चोट पहुँचाई गई और गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल छिंदवाड़ा रेफर किया गया। गाड़ी को हिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवर भी पुलिस कस्टडी में है। 307 का केस भी उसके खिलाफ रजिस्टर किया गया है उसकी गतिविधि को देखकर। अभी मैं छिंदवाड़ा अस्पताल में ही आया हूँ और हमें अभी सूचना मिली है कि अनफॉर्चुनेटली ही इस मोमेंट, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। और